नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। क्या नाम है? सचिन कुमार। कहां से आए हैं? मैं तेंगेतपुर रहता हूं। तहसील बरेली। थाना भित्री चैनपुर। क्या मामला है? मामला ये है, माफिया धर्मपाल, हमारे गांव के माफिया धर्मपाल और उसके गुर्गु द्वारा मल्ला सीसी रोड का फर्जी बयानामा कर दस्तावेज बनाकर उसको हड़पना चाहता है और उस पर निर्माण करना चाहता है और उस पर जान बरमानता है। वो किस जगह के रहने वाले हैं? वो वैसे तो रहने वाला बदायूं का है। उसने अपने साले की ज़मीन को मतलब फर्जी वसीयत कराकर उसको मतलब बहला फुसका कर वसीयत कराकर उसकी संपत्ति हड़प ली और अब वो यहीं पर रहता है, संगीतपुर में ही रहता है। हाँ, बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी है। तो अब आप यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दे दी? मैंने हाँ, यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को एप्लीकेशन दी है, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के यहाँ भी एप्लीकेशन दी है और थाने में दी थी पहले नहीं कोई। मैं थाने में IGRS पे भी शिकायत कर चुका हूँ, इसकी लेखपाल महोदय से, सेक्रेटरी में सबसे शिकायत कर रहा हूँ, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहाँ से आपके लिए कोई आश्वासन नहीं मिला था? अभी तो कोई आश्वासन यहाँ से नहीं मिला, लेकिन यहाँ से अभी SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आश्वासन मिला है कि 400BC का मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं वो लोग? वो लोग बहुत झगड़ालू किस्म के आदमी हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोले अगर तू कोई कार्रवाई करेगा तो हम तेरे को बोले तेरा नाम और निशान मिटा देंगे। अच्छा, और उनके कोई साथी उथी भी? हाँ, उनके साथी भी हैं जिन्होंने गवाही दी है, ओवेशचंद पुत्र नन्नूलाल। अच्छा। वो उनने इसमें गवाही की है और उसके पुत्र तेज बहादुर ने भी इसमें गवाही की है। अच्छा, हाँ, तो जबरन अपना वो निर्माण कराना चाहते हैं? जबरन अपना निर्माण कराना चाहते हैं, मेरे पास इसका फोटो भी है, वो भैंस मानते हैं। अच्छा, तो जमीन आपकी है? जमीन मेरी नहीं, सरकारी है। सरकारी गवर्नमेंट जमीन? हाँ, मेरी जमीन नहीं है। उस पर हथियाना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो वहाँ के मतलब गांव है मतलब क्या? जी जी। तो गांव के प्रधान उधान ने कोई ऑब्जेक्शन लिया था? नहीं, ग्राम प्रधान द्वारा मतलब लेखपाल द्वारा वहाँ पे मौके पे मुआयना किया गया। लेखपाल की रोड इसमें जो प्रार्थना पति है उसमें संकलन है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें मैंने रिपोर्ट लगा रखी है। अच्छा, लेखपाल ने अपनी जो रिपोर्ट लगाई उसमें लिखा हुआ है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।